प्लस यू के बराबर है, एक ये। तो मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज चलने से ही रिजल्ट निकल के आया, जबकि क्लॉकवाइज चलने से दोनों फॉर्मूले एकदम सही है। बहुत सारी किताबें जो हैं इस पर भी काम करती हैं और इस पर भी काम करती हैं, लेकिन हम लोग केवल एटी पर काम करेंगे, है ना, क्योंकि कई बार मैग्नीट्यूड पूछा जाता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों फॉर्मूले में, बस चिन्ह अपोजिट आएगा। मैं आपको बता दूं एक बात, तो हम लोग जो साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे वो इसको छोड़ देंगे, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाला, ध्यान रखना इस बात को, हम लोग इस को भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेलोसिटी वी देगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी, और डेवर साइन अपॉन डेवर वाई जो होगा वो माइनस यू के बराबर होगा। फॉर्मूले में जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर आपके फॉर्मूले में जरा सी भी कंफ्यूजन होती है तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, लास्ट में नहीं, क्योंकि बीच में ही माइनस के कंफ्यूजन हो रही, तो जहां जोड़ना था वहां घटा दो रही, जहां घटाना था वहां जोड़ दो रही, आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो माइनस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हाँ, तो समझ रहे। तो फाई जो वेलोसिटी पोटेंशियल था वो डिफरेंशिएट कराने पर उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी देता था विद माइनस साइन, और साइन अगर डिफरेंशिएट करा रहे हो तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी, परंतु एक फॉर्मूले में प्लस है, दूसरे फॉर्मूले में माइनस है, ठीक, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जिस तरह से वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को क्वांटिटी इक्वेशन में लगाते देखा था, उसी तरह से स्ट्रीम फंक्शन को भी क्वांटिटी इक्वेशन में लगाते देखना है मुझे कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलिए फिर देखते हैं, कंडीशन फॉर स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, इसकी मैं कंडीशन की अब बात करता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कंडीशन थी, डेवर वाई यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर वी अपॉन डेवर वाई बराबर जीरो, डब्ल्यू नहीं लूंगा क्योंकि मैंने अभी बताया कि स्ट्रीम फंक्शन टू डिटली डिफाइंड होता है, ध्यान रखना स्ट्रीम फंक्शन टू डिटली डिफाइंड होता है, जबकि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वो सबके लिए डिफाइंड होता है, 2D, 3D, 1D सबके लिए। हाँ, इधर आइए, तो U का मान रखना है, तो अभी अभी मैंने यहां पर देखा कि डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स V होगा और U जो होगा, अरे U यहां से निकाला जाए कि सर U बताओ कितना है, तो कह सकते हो माइनस डेवर साइन अपॉन डेवर वाई, ये होगा, ठीक है। तो U रख दीजिए, तो U का मान अभी अभी मैंने आपको बताया माइनस डेवर साइन अपॉन डेवर वाई प्लस वी रख दीजिए, तो वी का मान अभी अभी बताया था डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स, ठीक है। ये मान मैं निकालने जा रहा हूं, अभी मैं शुरुआत में जीरो नहीं करता, लास्ट में जीरो करूंगा, ठीक है। क्या बताइए, इस मान को मैं डेवर टू साइन अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई ऐसा भी कर सकता हूं विद माइनस चिन्ह, प्लस डेवर टू साइन अपॉन डेवर वाई डेवर एक्स ऐसा भी कर सकते हैं, बोलिए लगता नहीं ना। अब एक बात सुन लीजिए, जब आप लोग इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स में ये डेफिनेशन पढ़ते हो, इन सब की मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, तो वहां आप लोग एक थ्योरम पढ़ते हो, वहां थ्योरम ये पढ़ते हो कि यदि फाई किसी तरह का या कोई भी एफ किसी तरह का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान रखना एफ किसी तरह का कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए जो डेवर टू एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई और डेवर टू एफ अपॉन डेवर वाई डेवर एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये थ्योरम होती है मैथ में पढ़ाई जाती है आपको, किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ये दोनों डिफरेंशिएशन, मतलब पहले वाई के सापेक्ष बाद में एक्स के सापेक्ष, और ये क्या लिखा हुआ, पहले एक्स के सापेक्ष बाद वाई के सापेक्ष, दोनों बराबर होते हैं। तो जैसे ही आप इनको बराबर करोगे फॉर साइन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो शुड बी इक्वल टू जीरो। देख लीजिए, देखिए पहले, इससे पहले मैंने जब आपको डेल की कंडीशन बताई थी, लिखी हुई इसमें, तो जब मैंने फाई की कंडीशन बताई थी, पोटेंशियल फंक्शन की कंडीशन बताई थी, तो पोटेंशियल फंक्शन कभी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, करेगा तब जब इक्वेशन जीरो बराबर होगी, जबकि जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन है साइन वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से मैं एक निष्कर्ष ये निकाल सकता हूं कि साइन ऑलवेज सेटिस्फाइड लाप्लास सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि साइन
ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई आपको, साई ऑलवेज एग्जिस्ट करता है जबकि फाई मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। कब एग्जिस्ट करेगा फाई? फाई उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ध्यान रखना ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइन ऑलवेज सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, ऑलवेज सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी जस्ट बिकॉज साइन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट आपका फाई वेलोसिटी पोटेंशियल ऑलवेज सेटिस्फाइड मे और मे नॉट एग्जिस्ट है। कब एग्जिस्ट करेगा? तो आपका होटल उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और लाप्लास इक्वेशन ये लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। हालांकि मैं लास्ट में एकदम आखिरी में जब रोटेशनल कंपोनेंट भी पढ़ लेंगे तब इन पर फिर से आऊंगा, तो एक बार फिर आपको बताया जाएगा ये बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साइन ऑलवेज सेटिस्फाइड क्वांटिटी इक्वेशन, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक। चलिए फिर, तो मैंने साइन के बारे में दो बातें, दो डेफिनेशन बताई, मतलब दो फॉर्मूले बताए, और फिर उसके बाद इस पर काम करना बताया आपको। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रेन फंक्शन। तो आप सबको पता है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है फाई और स्ट्रेन फंक्शन होता है साइन, इनके बीच मुझे संबंध बताना है, फालतू है लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता देता हूं एक मिनट के लिए। अभी अभी आपको बताया गया था कि डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स जो था वो माइनस यू के बराबर था, और डेवर फाई अपॉन डेवर वाई जो था वो माइनस वी के बराबर था। ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको दो फॉर्मूले बताए फाई के लिए, साइन के लिए भी दो फॉर्मूले बताए, डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स ये तुम्हारा वी के बराबर था, और डेवर साइन अपॉन डेवर वाई ये तुम्हारा माइनस यू के बराबर था। मैंने ये दो फॉर्मूले ही बताए आपको, ना याद कर लीजिए, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले की मदद से मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप कर दूंगा। हालांकि रिलेशन इसलिए बताया जाता है बच्चों को कि एक फाई को देकर साइन निकाला जाए, साइन को देकर फाई निकाला जाए, लेकिन उसकी बहुत सारे और भी तरीके होते हैं निकालने के, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, फिलहाल इनमें रिलेशन देखते हैं। अभी ये रिलेशन नहीं है, ये वही फॉर्मूले जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब रिलेशन क्या है, बहुत ध्यान से देखना रिलेशन क्या है। सर एक बात बताओ, यहां माइनस यू लिखा है, लिखा है, और यहां भी तो माइनस यू लिखा है, चेक कर लीजिए, तो माइनस यू बराबर कर सकते हैं ना, तो पैरा रिलेशन आ गया कि डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स माइनस यू बराबर कर दिया, बराबर डेवर साइन अपॉन डेवर वाई, ये पहला रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। दूसरा में आइए, दूसरा रिलेशनशिप आइए, सर ये वी लिखा है और ये माइनस वी लिखा है, तो इस वी का मान उठा के यहां रख दीजिए, तो दूसरा रिलेशनशिप आ जाएगा डेवर फाई अपॉन डेवर वाई बराबर, और जैसे ही वी का मान उठा के रखेंगे तो माइनस डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स, तो ये दो रिलेशनशिप आ गए, यानी डिफरेंशिएशन अलग अलग है। आप ये समझिए कि अगर एट एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है तो दूसरा वाई के सापेक्ष, एट वाई के सापेक्ष दूसरा, लेकिन दोनों फॉर्मुले में से किसी एट में माइनस जरूर आएगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप का यूज हम लोग करते हैं एट फंक्शन को देकर दूसरा फंक्शन निकालने में, या दूसरा फंक्शन देकर पहला फंक्शन निकालने में, लेकिन मैं उसको बता रहा हूं अभी आपको कि वो कैसे निकाला जाता है बिना इसको रटे हुए, ठीक। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सा फंक्शन जो है उस पर संबंधित है, ऐसे चार पांच ऑप्शन उल्टे सीधे बना लिए जाते हैं, तो उसमें से हमें बताना होता है कि कौन सा फंक्शन सही है। आप इस तरह से दोनों फॉर्मूले लिखकर बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन सही हो सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, देखिए कैसे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय, अच्छा स्ट्रीम फंक्शन साइन का इन्होंने मान दे दिया, साइन का जो मान दे दिया वो कितना दे दिया, 5x माइनस 6y। कहा जा रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी कंपोनेंट, अच्छा जब वेलोसिटी कंपोनेंट कह दिए जाए तो इसका मतलब होता है कि यू वी डब्ल्यू पता करने हैं आपको, टोटल वेलोसिटी नहीं पता करनी, कंपोनेंट का मतलब यही होता है ना। तो कोई बात नहीं, डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स निकाल लो पहले, तो ये डिफरेंशिएशन 5 के बराबर आएगा, डेवर साइन अपॉन डेवर वाई निकाल लो माइनस 6 के बराबर आएगा ना। अब फॉर्मूला एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि सर ये जो डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स था ये वी के बराबर था,
डेवर साई अपॉन डेवर वाई जो था वो माइनस यू के बराबर था, उल्टा हुआ था, राइट एंगल टू डायरेक्शन था ना। तो बस रिजल्ट पता तो चल गया फिर। वी बराबर देखिए कंपोनेंट 5 आ जाएगा, और यहां से अगर यू बराबर निकाला जाए तो यू बराबर हो जाएगा 6। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट पता चल गया, यू बराबर 5 पता चल गया, वी बराबर मेरा 6 पता चल गया। बोलिए भाई बात सबको क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। 8 मिनट चलिए नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। ये भी मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको नॉलेज जो है बहुत तगड़ी नॉलेज दे रहा है वाला क्वेश्चन, ठीक है ध्यान देते रहना आपका ध्यान से। इफ अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई, इन्होंने फाई का मान दे दिया, फाइव का मान दे दिया है एक्स ब्रैकेट में 2y-1। तो मैं एक काम करता हूं इसको 2xy-x लिख लेता हूं। तो फाइव का जो मान है वो 2xy-x है। डिटरमाइन वेलोसिटी कंपोनेंट 4.5, यानी 4.5 पे वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए। यहां तक क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, तो कैसे निकालते हैं? पहले तो डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स निकाल लेते हैं, डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स आना है तो 2y-1, और डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई निकाल लेते हैं, तो वाई के सापेक्ष आना है तो टेबल 2x हो जाएगा, वाई के सापेक्ष टेबल 2x, क्योंकि ये एक्स का आउटलन 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। अच्छा वाई का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, तो एक्स है 4, एक्स 4 है तो ये मान 8 आ जाएगा, 4 × 8, और जैसे ही वाई 5 रखोगे तो 5 × 10, अरे 5 × 10 माइनस है नो, अच्छा ये मान सॉल्व किया। अब याद करो डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स माइनस यू के बराबर होता है, और डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई माइनस वी के बराबर होता है, तो यहां से यू वी बताए सकते हैं ना, तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां मैं साइड में लिख देता हूं, कहीं पर भी यही लिख देता हूं, यहां से जो यू बराबर निकला वो -9 निकला, और वी बराबर जो निकला वो -8 निकला, ठीक है क्लियर कीजिए भाई सब लोग। तो मैंने आपको यहां पर यू और वी के दोनों मान बता दिए कि यू और वी के दोनों मान कितने होने चाहिए, लेकिन इन्होंने जो दूसरी बात पूछी है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, इस फंक्शन से आपको ऑल्सो फाइंड स्ट्रीम फंक्शन, ऑल्सो फाइंड स्ट्रीम फंक्शन, यानी इस फंक्शन की मदद से आपको साइन बताना कितना होना चाहिए, और जब साइन पता कर लेना तो इन्होंने पूछा भी है एट दैट पॉइंट, मतलब साइन का पहले फंक्शन पता कीजिए फिर वो पॉइंट भी रखिए 4.5, ठीक। तो मैं इस बात को अलग स्लाइड में आपको बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो देखिए, तो क्वेश्चन ये था मेरे पास कि फाइव बराबर दिया था 2yx या 2xy-x, अब मुझे जो निकालना था वो निकालना था साइन, या इधर लिख देता हूं साइन कैलकुलेट करना था, ये था मेरा क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं यही था क्वेश्चन कि नहीं था, 2xy-x, ठीक साइन निकालना है। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के होते हैं दो मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे रट लेना, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है भाई मैं उसी मेथड से आपको बताऊंगा, पहले बता भी दूंगा कि भाई मैं इसी मेथड से बताने वाला हूं आपको सारे सवाल, ठीक है ध्यान रखना इस बात को। चलिए पहला मेथड जो आपको बहुत आसान लगेगा, ज्यादातर लोग उसी मेथड पर अप्लाई करते हैं मोस्टली, पहला मेथड कि पहला मेथड ये है कि सर आप यहां से डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स एक बार फिर निकालो, तो ये कितना निकलेगा, फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2y-1, और डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई एक बार और निकालो, तो वो निकलेगा तुम्हारा वाई के सापेक्ष कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ध्यान देते रहे ना भाई, पहला मेथड बताने जा रहा है, ये किसके बराबर होता है, ये माइनस यू के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, माइनस वी के बराबर होता है। तो इन दोनों की मदद से मैं u और v बता सकता हूं कि u v कितने होंगे, तो u v बाय साइड में लिख देता हूं क्योंकि इनका इस्तेमाल पड़ेगा। तो चलो अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ये रहा और ये रहा, लेकिन आपको जब मान रखना तो थोड़ा सावधानी बरतना नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। मुझे साइन चाहिए था, साइन तो आप सबको पता है कि साइन का कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपका पता है कि डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स बराबर v होता है, ये बात सबको पता है कि डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स बराबर कितना होता है, v होता है, होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स v के बराबर हो रहा, तो चलिए फिर इस रिजल्ट को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, v का मान लिख देते,
तो v का मान रखना है ना, इलेक्ट्रिक माइनस v है ना, तो v का मान चला कितना हो जाएगा, तो हो गया माइनस टू एक्स, क्लियर है। इसे इस तरफ लाके मुझे इंटीग्रेट करना है, इसे इस तरफ लाके मुझे इंटीग्रेट करना है, तो बताओ जरा साइन कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, तो टॉट सर जब इधर लाओगे इंटीग्रेशन लाओगे तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे दो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे दो, तो दो से दो कैंसिल तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब भी कभी इंटीग्रेशन कराते हैं तो एक कॉन्स्टेंट सी जरूर लगाते हैं, एक कॉन्स्टेंट सी जरूर लगाते हैं, तो मैंने एक कॉन्स्टेंट सी लगा दिया, क्लियर कीजिए। लेकिन भाई ये मेरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है, पार्शियल इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट मे बी फंक्शन ऑफ वाई, भाई एक्स के सापेक्ष हुआ है तो एक्स को छोड़कर बाकी सब कॉन्स्टेंट है ना, यही तो मतलब होता है, तो इट मे बी फंक्शन ऑफ वाई एंड इट मे बी एच कॉन्स्टेंट, ऐसा बोला जा सकता है ना। तो इसका मतलब यह है कि यह फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, तो एक काम करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन फिर से करा देते हैं। अब लेकिन मैं इसका डिफरेंशिएशन जो कराने वाला हूं, अब जो मैं इसका डिफरेंशिएशन कराने वाला हूं वो एक्स के सापेक्ष नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष तो वही चीज मिल जाएगी, मैं वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कराऊंगा, करा दीजिए वाई के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जैसे तुम y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे भाई माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि y के सापेक्ष, लेकिन c y का फंक्शन हो सकता है, क्योंकि x छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तभी तो c का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y डेवर c अपॉन डेवर y हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, डेवर साइन अपॉन डेवर y, इसको जरूर कुछ लिखा जा सकता है। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पहला वाला टर्म डेवर साइन अपॉन डेवर वाई लिखा हुआ है, इसको आप माइनस यू लिख सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डेवर साइन अपॉन डेवर वाई जो था, ये फाइव वाला सवाल है, कहां गया, अरे बहुत पीछे चला गया, काफी ज्यादा पीछे चला गया, ये था डेवर साइन अपॉन डेवर वाई माइनस यू था, तो डेवर साइन अपॉन डेवर वाई माइनस यू था, तो आप इसको माइनस यू लिख दीजिए, तो मेरे भाई ये है माइनस यू, ये तो आप इसको माइनस यू लिखिए बराबर डेवर सी अपॉन डेवर वाई, देख लीजिए, ठीक है। तो इतना जैसे ही आपने किया तो मेरे भाई, अगर इतना किया तो फिर इधर लाके इंटीग्रेट करा दीजिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें यू का मान जरूर रखना पड़ेगा है, तो मैं अगले पेज में कर देता हूं। तो ये जो मान निकल के आया था अभी अभी मेरे पास, ये निकल के आया था माइनस यू बराबर डेवर सी अपॉन डेवर वाई, एक आप क्रम में लिखिए ना, माइनस यू बराबर डेवर सी अपॉन डेवर वाई, थोड़ा सा मुझसे ही टर्म की गलती हो रही, नहीं तो उसी पेज में हो जाता वो सवाल, सॉरी उसके लिए। तो माइनस यू बराबर डेवर सी अपॉन डेवर वाई, तो माइनस यू है तो माइनस यू ही तो टू वाई माइनस वन है, तो आप कह सकते हो माइनस यू मेरा टू वाई माइनस वन, ये माइनस यू ही टू वाई माइनस वन है, अब टर्म में करेंगे डेवर सी अपॉन डेवर वाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो मेरे भाई जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कराओगे इधर लाकर, तो इधर लाटा इंटीग्रेशन कराओगे तो आपका हो जाएगी सर टू वाई का इंटीग्रेशन, भाई वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बटे दो, दो से दो कैंसिल, तो टू वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन वाई, और यहां डेवर सी का इंटीग्रेशन सी, तो यहां से अगर पूछा जाए कि सी बताइए कितना है, तो सी हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, क्लियर है। लेकिन जब इंटीग्रेशन कराते हैं तो एक नया कांस्टेंट और लगाते हैं, तो अब ये जो नया कांस्टेंट c लगेगा, c1 कह दीजिए, ये कांस्टेंट मेरा कंफर्म कोई कांस्टेंट होगा, ये फंक्शन ऑफ x नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आपने पहले ही बताया था कि ये जो c है ये फंक्शन ऑफ y, ये फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है, तो फंक्शन ऑफ y तो तुमने निकाल लिया ना, अब ये कांस्टेंट बस होगा, यानी इसमें अब कोई फंक्शन नहीं होगा, चाहे वो एक्स का ही फंक्शन नहीं हो सकते, तो ये पूरा का पूरा कह सकते हो एज आ कॉन्स्टेंट है, ये किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये सी का मान निकाल लिया। अब इसी सी का मान उठा के आपको पहली वाली इक्वेशन में रखना है, कहां रही ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, तो देख लीजिए इक्वेशन क्या निकाल के आई थी, तो साई बराबर थी माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन थी आपकी साई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी थी, तो साइन बराबर जैसे ही आप रखोगे माइनस एक्स स्क्वायर और सी का मान देख लीजिए, तो सी का मान है प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस हमारा कांस्टेंट, ये देख लीजिए। तो आप लोगों को सवाल ये पूछा गया था, सवाल ये पूछा गया था कि अगर आपको फाई दिया जाए तो साइन क्या होगा,
तो साइन मैंने बता दिया कि साइन ये होगा, ठीक। और पॉइंट भी दिए रहते, पॉइंट दिए रहते 4.5, तो 4.5 रख दीजिए, तो 4.5 रखा जाएगा यदि यहां पर। तो देख लीजिए पहले 4, तो माइनस 4 जो, तो 16, 5, 25। अच्छा सॉरी, पॉइंट पे नहीं बता सकते, सॉरी पॉइंट पे नहीं बता सकते, बस यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट क्लियर नहीं है कि कौन सा कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ वो एक और क्लू देता तो हम बता देते फिर, केवल यही बताया जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया बेसिक मेथड है, आपको समझ में भी आया होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रा दो साइन को, एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रा दो, बड़े आराम से निकलाया। लेकिन मैं इसका एक और मेथड है वो बताने जा रहा हूं, तो उसको भी आप समझना पड़ेगा। तो सवाल ये लिखा हुआ था कि फाइव बराबर था टू एक्स वाई माइनस एक्स, टू एक्स वाई माइनस एक्स, सेकेंड मेथड, आप सुनना बड़े ध्यान से। फाइव बराबर था टू एक्स वाई माइनस एक्स, ठीक। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था साइन, ये था मेरा सवाल, ठीक है। थोड़ा भाई मैं स्टैंडर्ड अब तरीके अपना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे अपना कमांड होना चाहिए ना, मैं हो सकता है एक दो कैलकुलेशन आगे जंप कर जाऊं, ठीक। देखिए अब यहां पर साइन, तो एक बात बताइए, जो भी साइन निकलेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई निकलेगा, तो अगर फाई एक्स वाई का फंक्शन है तो साइन भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स का फुल विद रिस्पेक्ट टू साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू वाई का फुल। मैंने क्या किया कि अपनी तरफ से माना कि साइन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो डी साइन, डी साइन का जो फॉर्मूला है वो डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स, ये बन सकते हैं। हाँ यहां नीचे डी टी नहीं, अरे डी टी होता तो मुझे दोनों तरफ और डी टी लगाना पड़ता, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए, डी साइन, ये बताइए डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स क्या होता है, तो डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स जो होता है वो वी के बराबर होता है, तो ये वी डी एक्स। जबकि डेवर फाई सॉरी डेवर साइन अपॉन डेवर वाई क्या होता है, माइनस यू के बराबर होता है, तो माइनस यू डी वाई। ये मैंने अभी रिजल्ट बताया, ये आ गया आपके सामने, है ना। अभी अभी यू और वी के मान बता चुके हो, तो वी का मान देख लेते हैं कितना था। तो वी का मान था आपका, सवाल छूट गया था, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो मैंने अभी अभी v का मान यहां से माइनस, देखो भाई v बराबर माइनस टू एक्स है, तो v बराबर माइनस टू एक्स है, तो v बराबर माइनस टू एक्स रख दीजिए, तो v बराबर माइनस टू एक्स, तो v बराबर हो गया माइनस टू एक्स, तो यहां माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। यू यू कह दो या माइनस यू कह दो, तो माइनस यू का मान जो था अभी थोड़ी देर पहले, तो माइनस यू का मान था, माइनस यू डायरेक्ट है मैं बोल रहा हूं, टू आई प्लस वन, टू आई माइनस वन, टू आई माइनस वन, तो यहां आप कह सकते हो कि प्लस का टू आई माइनस वन डी वाई, देख लीजिए। तो मेरा ये जो फॉर्म बना, ये फॉर्म क्या बना है, मैं आपको लिख के फिर से एक बार बता दूं, फॉर्म एक्चुअली में जो बना है वो ये बना है कि डी वाई इक्वल टू एम डी एक्स, या डी वाई ना कहिए, डी एफ इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, कुछ ये फॉर्म बना है, ये ध्यान रखना, देख लीजिए ये फंक्शन m कहलाएगा, ये n कहलाएगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कभी इस को मैं इंटीग्रेट कराता हूं तो इंटीग्रेट कराने के कुछ नियम होते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन को इंटीग्रेट कराने के पहला नियम ये होता है कि अगर सर m का इंटीग्रेशन कराना है, तो m का इंटीग्रेशन कराते समय भाई x सापेक्ष हो रहा है, तो m का इंटीग्रेशन y को कॉन्स्टेंट मान के किया जाएगा। सुनते जाना, कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि बार बार मैं नहीं बताऊंगा, एम का इंटीग्रेशन वाई को कांस्टेंट मान के किया जाएगा, जबकि एन का इंटीग्रेशन, एन का इंटीग्रेशन, तो एन का इंटीग्रेशन करते समय केवल उन्हीं पदों का इंटीग्रेशन होगा, केवल उन्हीं पदों का इंटीग्रेशन होगा, ये यूं कहिए कि एन के केवल या एन के उन पदों का इंटीग्रेशन नहीं होगा जिसमें एक्स होगा, जिसमें एफ सोडा उन पदों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, जिसमें एफ सोडा उन पदों का इंटीग्रेशन एन के लिए बता रहा है, जिसमें एफ सोडा उन पदों, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहां वाला नियम होता है कि जब एम का इंटीग्रेशन ट्राया जाएगा तो वाई को कॉन्स्टेंट मान के दिया जाएगा, ठीक है। ये मैंने जो बोला आपको एकदम करेक्ट बोला है, इसको नोट कर लेना, एक बार फिर बोल देता हूं, एम का इंटीग्रेशन वाई को कॉन्स्टेंट मान के दिया जाएगा,
एंड का इंटीग्रेशन कराते समय उन पदों को छोड़ दिया जाएगा जिसमें एक्स है, यानी एक्स वाले पदों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉन्स्टेंट वाले पदों का और वाई वाले पदों का, ठीक है। चलिए, हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन बन सकती थी इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए फिर इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए। तो उधर डी साइन का इंटीग्रेशन साइन बराबर टू एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू वाई, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बटे दो, दो से दो कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वन, वन का इंटीग्रेशन वाई, और प्लस एक नया कॉन्स्टेंट। लेकिन ये जो सी लगाते हो ना, ये पूरा कॉन्स्टेंट हो रहा, ये ना तो वाई में हो रहा ना ही एक्स में हो रहा ना, तो आप लोगों को ये बात पता चल रही है। मिला लेते हैं कि पिछला वाला आंसर क्या यही आंसर था, कहां था पिछला वाला, ये था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, सही एकदम करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, हर बार मैं इस मेथड को लगाऊंगा, इसी को लगाऊंगा और किसी नहीं लगाऊंगा। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, यहां पर एक और रूल भी होता है। रूल ये होता है कि इस, ये जो फंक्शन एफ लिखा है, इसके एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन भी होती है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एफ, एफ के एग्जिस्ट करने की कंडीशन भी सुन लीजिए। हालांकि इस कंडीशन के यूज हम लोग करेंगे, अभी देखिए बहुत करेंगे, एफ का एग्जिस्टेंस, तो एफ का एग्जिस्टेंस ये यू कहिए कि इसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब एम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स नहीं, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो। जब ये दोनों टर्म बराबर होंगे तभी आप इस इक्वेशन को कह सकते हो, सॉल्व करा सकते हो, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन या एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, दिस मस्ट बी इक्वल टू, दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल, ठीक, ये ध्यान रखना आपको है। तो मैंने आपको जो सेकंड मेथड बताया ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी मेथड पे मैं आगे काम करूंगा। चलिए देखिए, एक और सवाल है मेरे पास, इस सवाल को भी देख लेते हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है ये सवाल कि यदि सर मेरे पास साइन बराबर लिखा हुआ है टू एक्स वाई, अब पूछा कौन सा फंक्शन जा रहा है, देखिए फाइंड पोटेंशियल फंक्शन, इन्होंने पूछा पोटेंशियल फंक्शन, कोई बात नहीं, बड़े ही आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। टू एक्स वाई साइन दिया गया है और फाई पूछा जा रहा है, तो वही सेम मेथड है क्या, सबसे पहले आप डेवर फाई साइन अपॉन डेवर एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा टू वाई, डेवर साइन अपॉन डेवर वाई निकालो, ये तुम्हारा हो जाएगा टू एक्स, या टीजे डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स ये वी के बराबर था, डेवर साइन अपॉन डेवर वाई ये माइनस यू के बराबर था ना, लेकिन इन्होंने पूछा कौन सा फंक्शन है फाइ, तो लेट फाइ इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब फाइ मेरा एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यदि एक्स और वाई का फंक्शन है तो आप कह सकते हो कि डी फाइ इक्वल टू डेवर फाइ अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेवर फाई अपॉन डेवर वाई इंटू डी वाई, तो मैं ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकता हूं। पिछला वाले सवाल में क्या था कि आपको पहले फाई दिया था साइन पूछा जा रहा था, इस बार साइन दिया है फाई पूछा जा रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं ना, अच्छा ये लिख दिया मैंने, अब वैल्यू को और पुट करते हैं डी फाई बराबर, तो आप सबको पता होना चाहिए डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स माइनस यू के बराबर होता है, गलतियां जरा सी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टोटल सब कुछ गया माइनस, और डेवर फाइव अपॉन डेवर माइनस वी के बराबर होता है, तो मैंने दोनों मान रख दिए, फॉर्मूला एकदम रटे हुए होने चाहिए, एकदम करेक्ट फॉर्म में, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। अच्छा आगे देखिएगा, माइनस यू डायरेक्ट देखिए टू एक्स है, तो माइनस यू डायरेक्ट मैंने टू एक्स लिख दिया डी एक्स, माइनस वी तो सर यहां माइनस थोड़ी ना था, प्लस था, कोई बात नहीं, प्लस बराबर वी बराबर टू आई है, प्लस वी बराबर टू आई है, तो कह सकते हो कि माइनस टू वाई डी वाई हो जाएगा, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं इंटीग्रेट काटर फाइव, तो इंटीग्रेट का हो, अरे भाई इंटीग्रेशन यार इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हो, अब तो यार आ चुका होगा ना इंटीग्रेशन, तो टू एक्स है ना, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे दो, तो दो से दो कैंसिल, केवल एक्स स्क्वायर, माइनस टू वाई, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बटे दो, दो से दो कैंसिल, वाई स्क्वायर,
प्लस हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट किसी का भी फंक्शन नहीं होगा। आंसर आ गया। बोलिए अब ये सवाल आप देखिए, डर जाके कई बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, लेकिन ये सवाल इसलिए आसान लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं जिसमें कैलकुलेशन थी, ठीक है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही आराम से ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मैंने आज वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन पढ़ लिए हैं, आगे के नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे भी डिस्कस होगा। फिर हम लोग इसके कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केवल फ्लूइड काइनेमेटिक्स से, तो पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ट्राई जाएंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच। देखिए अब हम लोग के पास जो नया टॉपिक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, वो ये तीन हेडिंग एक साथ समझनी है हम लोगों को। हालांकि मैं तीन हेडिंग इसलिए लिए एक साथ क्योंकि तीनों हेडिंग एक दूसरे से रिलेट करने वाली हेडिंग है। पहली हेडिंग बोलते हैं वोर्टिसिटी, दूसरी हेडिंग है रोटेशनल कंपोनेंट, और तीसरी हेडिंग है हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये वोर्टिसिटी, रोटेशनल कंपोनेंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इनको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, है ना, समझ लीजिए पहले। तो ये तीनों हेडिंग एक जैसी हैं, लेकिन अगर ये तीनों हेडिंग आपको समझ में आ रही है और इनके फॉर्मूले याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया, तो फिर आप ज्यादातर क्वेश्चन को मुजवानी सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सुनिए अब वोल्टिसिटी के बारे में। तो मैंने आपको पहली हेडिंग दी है कि पहली हेडिंग है सर वोल्टिसिटी, तो होता क्या है कि जो वोल्टिसिटी होती है उसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। तो लेकिन बट ये जो ओमेगा होता है ये इस कुछ इस फॉर्म का ओमेगा होता है। अगला है हमारा रोटेशनल कंपोनेंट, तो जो रोटेशनल कंपोनेंट है हमारे उसे भी ओमेगा से ही शो करते हैं, लेकिन ये जो ओमेगा होता है तुम्हारा ये ओमेगा कुछ इस फॉर्म का होता है। तो ध्यान रखना रोटेशनल कंपोनेंट के ओमेगा कुछ इस फॉर्म के होते हैं। तीसरी हेडिंग थी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा थीटा से, तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ये हमारा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आगे बात सुनिए, वोर्टिसिटी या तो वो एक्स डायरेक्शन में हो सकती है या फिर वाई डायरेक्शन में हो सकती है या फिर जेड डायरेक्शन में हो सकती है। उसी तरह से रोटेशनल कंपोनेंट अबाउट एक्स डायरेक्शन हो सकते हैं, अबाउट वाई डायरेक्शन हो सकता है या फिर अबाउट जेड डायरेक्शन हो सकता है। उसी तरह से हमारा कह सकते हो कि जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है वो थीटा एक्स भी हो सकता है, थीटा वाई भी हो सकता है, थीटा जेड भी हो सकता है ना। लेकिन ये जो एक्स वाई जेड मैंने लिखा ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ। अगर इसको मैं प्लेन के अकॉर्डिंग लिखता तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि मैं रिप्रेजेंट किसे करता हूं, वोल्टिसिटी ओमेगा, रोटेशनल कंपोनेंट भी ओमेगा, लेकिन ये ओमेगा नाम एटीएल लेकिन इसे सिंबल अलग है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को समझने के लिए मुझे एक पैरामीटर निकालना पड़ता है, उस पैरामीटर को बोलते हैं कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जैसे कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल्टा वी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और उसी तरह से एक अगला पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले मैं आपको एक बार ये निकाल के बता दूं, फिर आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। हाँ, हालांकि अगर आपको ये तीनों चीजें एकदम याद रखनी है कि सर मुझे वो तरीका बताइए कि जिससे वो तीनों चीजें याद हो जाए, तो इन तीनों चीजों को याद करने का पहले तरीका समझ लीजिए आप लोग, राइट, फिर हम लोग देखिए इसको बड़े आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले इन तीनों चीजों में देखेंगे जो उसको बोला जाएगा रोटेशनल कंपोनेंट। तो मैं सबसे पहले जो देखूंगा इसमें वो रोटेशनल कंपोनेंट देखूंगा, रोटेशनल कंपोनेंट। तो सुनिए जरा रोटेशनल कंपोनेंट को निकालने का तरीका क्या होता है। तो जो रोटेशनल कंपोनेंट होता है जिसको मैं ओमेगा कहता हूं, तो उस ओमेगा को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर निकालिए, यानी वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल निकालिए और उसका 1/2 कर दीजिए। तो ये रोटेशनल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल निकाला जाए और उसका 1/2 कर दिया जाए तो रोटेशनल कंपोनेंट निकालने का ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं पहले कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेता हूं और फिर 2/2 करके रोटेशनल कंपोनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं साइड में। तो जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा सर कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या होना चाहिए, तो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर,
तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि कर्ल का मतलब होता है कि डेल्टा वी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पर डेल डॉट डॉट नहीं सॉरी कर्ल मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप यहां क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वी का, तो डेल्टा वी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है ना। हाँ, अगर ये डाइवर्जेंस निकालना होता तो यहां मुझे डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ता, ठीक है, तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करा देता हूं। तो जब भी कभी दो वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट कराना होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट कराने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूं और उस मैट्रिक्स में यहां लिख देंगे आई जे और के, क्लियर। फिर इसके बाद मुझे क्या करना होता है कि जो पहला वाला पैरामीटर डेल लिखा हुआ है, ये डेल, तो डेल का जो आई जे के वाला कोफिशियंट है वो दूसरी रो में लिखा जाएगा और जो वेलोसिटी वेक्टर वी लिखा हुआ है इसका जो आई जे के कोफिशियंट होगा वो तीसरी रो में लिखा जाएगा। तो आप सबको पता है कि डेल का जो आई जे के कोफिशियंट होता है वो डेवर अपॉन डेवर एक्स होता है, डेवर अपॉन डेवर वाई होता है और ये डेवर अपॉन डेवर जेड होता है। जबकि अगर यही कंपोनेंट मैं वेलोसिटी वेक्टर वी का पूछूं कि वी का आई जे के कंपोनेंट क्या होता है, तो आप सबको पता है कि उसका आई यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो यू होती है, फिर ये वी होगा और ये तुम्हारा डब्ल्यू होगा, ठीक है। मेरा ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मैं इसको एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का के आपको बता देता हूं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का भाई सबको तरीका पता है कि करते क्या है, ये जो आई वाला कोएफिशिएंट है इसकी ऐसे छुपाएंगे और जैसे ही छुपेगा तो इंटर इंटर क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं विद माइनस साइन, है ना। तो चलिए फिर मैं एक बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा के बताता हूं क्या निकलना चाहिए। तो जैसे ही आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो सबसे पहले मैं आई लिख दूंगा। अब जैसे आई होगा तो ये लाइन छुपेगी, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मतलब डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर वाई होगा यहां पर माइनस डेवर वी अपॉन डेवर जेड होगा, क्लियर कीजिए। फिर इसके बाद जे को लेते, लेकिन जब जे लिया जाता है तो प्लस साइन के साथ नहीं माइनस साइन के साथ लिया जाता है, तो ये आप कह सकते हो कि माइनस जे हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही माइनस जे हुआ तो ये लाइन हटाई जाएगी या छुपाई जाएगी, तो जैसे ही ये लाइन और ये लाइन छुपाई जाएगी तो इसका पैरामीटर मल्टीप्लाई डब्ल्यू के साथ, तो कह सकते हो डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स हो जाएगा माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इस वी यू के साथ, तो माइनस डेवर यू अपॉन कह सकते हो कि डेवर जेड हो जाएगा, चेक कीजिए। फिर लास्ट वाला पैरामीटर बचा के, तो प्लस का मेरा कह सकते हो के ले लिया जाए, और जैसे ही के लिया जाएगा तो ये लाइन और ये लाइन छुपाई जाएगी, है ना, तो डेवर अपॉन डेवर एक्स का मल्टीप्लाई यू वी के साथ, तो यहां पर जगह नहीं है थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं प्लस के, तो कह सकते हो कि यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा डेवर वी अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वाई, क्लियर कीजिए। लेकिन मैंने अभी शुरुआत बताया था कि आप बहुत ध्यान सुनना, रोटेशनल कंपोनेंट जो होता है वो कर्ल ऑफ वी का आधा होता है, है ना। तो कर्ल ऑफ वी का आधा होता है, तो आप कह सकते हो कि आपने कर्ल ऑफ वी तो निकाल लिया, ये कर्ल ऑफ वी ही तो है एक प्रकार का। तो अगर मैं आपसे पूछी कि ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने कर्ल ऑफ वी निकाला इस वी में सब जगह एट बटे दो लगा दो, तो जैसे ही एट बटे दो लगाया जाएगा तो रोटेशनल कंपोनेंट हमारा पता चल जाएगा ना। तो सब में एट बटे दो लगा दो, तो सब में मैं एट बटे दो भी लगाऊंगा और साथ साथ उनको सेट भी कर दूंगा, तो सेट है, बस मुझे एक चीज सेट करनी है कि जो माइनस चिन्ह पहले बाहर है इसको अंदर ले जाए, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मान आ जाएगा सर एट बटे दो डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर वी अपॉन डेवर जेड, ये रहेगा तुम्हारा आई कंपोनेंट, क्लियर कीजिए, है ना। फिर इसके बाद ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, ये यू टू ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो लेटर वन बाई टू तो रहेगा, तो प्लस वन बाई टू और अंदर बताइए कितना बचेगा, तो कह सकते हो डेवर यू अपॉन डेवर जेड माइनस डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स, क्लियर कीजिए। फिर इसके बाद हमारा प्लस के, तो प्लस अब वन बाई टू करना है आपको, तो वन बाई टू और कह सकते हो कि जैसे ही वन बाई टू किया जाएगा यहां पर हमारा आई हो गया, तो यहां पर मुझे जे लिखना पड़ेगा जे टाइप, है ना। फिर इसके बाद देखना, तो प्लस वन बाई टू तो मेरा रहेगा ही रहेगा आगे, है ना, और कह सकते हो डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, डेवर वी अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वाई, और लास्ट में जो आएगा ये तुम्हारा के टाइप आएगा।
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आई टैप, जे टैप और के टैप का जो कंपोनेंट है वो आपको पता चल चुका है, तो मुझे करना कुछ नहीं है। ये आई टैप का कंपोनेंट है तो इस पैरामीटर को मैं बोल दूंगा कि ये मेरा ओमेगा एक्स है, ठीक है। इसी तरीके से इस कंपोनेंट को बोल दिया जाएगा कि ये मेरा ओमेगा वाई है, ये कंपोनेंट को बोल दिया जाएगा कि ये मेरा ओमेगा जेड है। तो पहले आपको ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड के मान निकालने आने चाहिए, लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो जो कर्ल निकलता है, कर्ल ऑफ वी निकला, उसका आधा किया तो रोटेशनल कंपोनेंट निकलता है, ये ध्यान रखना। तो मैं दूसरी स्लाइड में पहले इस तीनों के मान लिख के बता देता हूं। तो ओमेगा एक्स का मान देखिए क्या, तो ओमेगा एक्स का जो मान आया है अभी हमारे पास, तीन मान मैंने निकाले हैं, एक को बोला है ओमेगा एक्स, यहां से लिखेंगे टोटी के पीछे कुछ लाइन लिखी जाएगी ओमेगा एक्स, दूसरे को लिखा है ओमेगा वाई और तीसरे को लिखा मैंने ओमेगा जेड, ठीक है। तो मुझे याद है इसलिए मैं लिख देता हूं। अच्छा, ओमेगा एक्स को क्या लिख सकते हैं मैं वो भी सुनिए, जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, बहुत ध्यान सुनना जो मैं बात बता रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई आपका फ्लूड एलिमेंट, कोई भी फ्लूड एलिमेंट कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो रोटेशन है वो अबाउट जेड एक्सिस है, अबाउट जेड एक्सिस है। लेटेड कहा जाए किस प्लेन में है, तो कहोगे एक्स वाई प्लेन में है। थोड़ा बात को समझने का प्रयास करिएगा, टॉपिक मैं समझता हूं कि जे लेवल से थोड़े से अपर लेवल का क्वेश्चन है ये सब, लेकिन अगर आप बात को समझेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। हर बार आपको ये नहीं कहना पड़ेगा ओ सेट ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा आपको, श्योर है एकदम, ठीक। तो मैंने कहा कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, ये कोई फ्लूड पार्टिकल है जो इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट है, सही है। लेकिन किस प्लेन में है, किस प्लेन में है? तो कहोगे कि सर प्लेन तो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है ना। तो जब भी कभी रोटेशन जेड एक्सिस में होगा तो प्लेन एक्स वाई होगा, रोटेशन यदि वाई एक्सिस के अबाउट होगा, ऐसे रोटेशन होता वाई एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट, तो एक्स जेड प्लेन होता, और रोटेशन यदि एक्स एक्सिस के अबाउट होता, ऐसे होता रोटेशन, तो वो तुम्हारा फिर वाई जेड प्लेन होता। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपका जब भी कभी रोटेशन एक्स वाई प्लेन में होगा तो वो जेड एक्सिस के अबाउट होगा। और कह सकते हो कि हाँ, अब ये इसी बात को मैं यहां समझा रहा हूं, जैसे मैंने यहां ओमेगा एक्स लिखा तो ये मेरा रोटेशनल कंपोनेंट अबाउट एक्स एक्सिस है, लिख देता हूं रोटेशन कंपोनेंट, रोटेशन कंपोनेंट, ये पहला मान है मैं बता रहा हूं, कंपोनेंट अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर लीजिए, तभी तो मैंने इसको ओमेगा एक्स लिखा। उसी तरह से बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि सर ये रोटेशन कंपोनेंट है अबाउट वाई एक्सिस, उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, रोटेशन कंपोनेंट है सर अबाउट जेड एक्सिस। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? अच्छा, तो रोटेशन कंपोनेंट अबाउट एक्स एक्सिस है, ये भी सही है। और ये बताओ अगर ये रोटेशन कंपोनेंट अबाउट एक्स एक्सिस है तो कंफर्म वाई जेड प्लेन में होगा, तो या लिखा जा सकता है इसको या वाई जेड प्लेन, या वाई जेड प्लेन। उसी तरह से बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, अबाउट वाई एक्सिस या एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन, या जेड एक्स प्लेन है ना, अबाउट जेड एक्सिस या एक्स वाई प्लेन, क्लियर कीजिए, ठीक है। आपको पहले ये तीनों बातें समझ में आनी चाहिए कि रोटेशन कंपोनेंट अबाउट एक्स एक्सिस चाहिए या रोटेशन कंपोनेंट इन वाई जेड प्लेन चाहिए, रोटेशन कंपोनेंट अबाउट वाई एक्सिस चाहिए या रोटेशन कंपोनेंट इन जेड एक्स प्लेन चाहिए। और जेड एक्स मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि एक्स वाई होगा, फिर वाई जेड होगा, फिर जेड एक्स होगा, क्रम्स चलेंगे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, रोटेशन कंपोनेंट अबाउट जेड एक्सिस या एक्स वाई प्लेन। इसी वजह से कई बार इस ओमेगा एक्स को ओमेगा वाई जेड भी लिखा जाता है, ध्यान देते रहना। उसी तरीके से इस ओमेगा वाई को ओमेगा जेड एक्स भी लिखा जाएगा, जेड एक्स, उसी तरह से ओमेगा जेड को ओमेगा एक्स वाई भी लिखा जाएगा, है ना। तो
तो ये जो बाद में मैंने लिखा ये एक प्रकार से प्लेन है बताएंगे हम लोगों को कि कौन से प्लेन में है, और केवल एक वर्ड जब लिखा हो तो वो अबाउट एक्स एक्सिस बताएंगे ना, दोनों चीजें हम लोग बता सकते हैं ठीक है। तो मैंने याद करने का, वैसे मैं ओमेगा एक्स ओमेगा वाई का मान बता चुका हूं यहां पर, लेकिन मुझे इसलिए बताना है आपको ये चीज ताकि वहां बिना जाए हुए आप ये फॉर्मूला बना सके, है ना। वैसे देखा जाए तो जो नेट ओमेगा बनेगा, नेट रोटेशन बहुत ध्यान से देखना, नेट रोटेशन उसका जो फॉर्मूला होगा ओमेगा का वो होगा ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ये मेरा नेट रोटेशन का फॉर्मूला होगा। और जबकि ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जो जेड है उसका मान आप पहले ही बता चुके हो यहां पर, ये मान ठीक है। तो ये जो आपका नेट मान आया कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन अभी भी सवाल उठता है कि सर ये याद कैसे करेंगे, ओमेगा एक्स अबाउट एक्स एक्सिस तो टू ओमेगा वाई जेड भी लिखा जाता, कैसे याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों में अभी अभी बताया था कि 1/2 लगा है सब में, तो सब में 1/2 तो लगा है ठीक है। उल्टा है, उल्टा का मतलब जब आपका वाई पहले लिखा है, वैसे वाई पहले लिखा भी होना चाहिए क्योंकि एक्स वाई वाई जेड तो जेड एक्स, तो जो चीज पहले लिखी हो वाई तो उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन अपोजिट वेलोसिटी कंपोनेंट का होगा, अपोजिट वेलोसिटी का, यानी वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा परंतु वी का डिफरेंशिएशन नहीं, जो वेलोसिटी जेड एक्सिस मिलती है उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब याद करो जेड एक्सिस में कौन सी वेलोसिटी मिलती है, तो जेड एक्सिस मिलती है आपकी डब्लू, तो इसका जो मान आएगा वो डेवर डब्लू अपॉन डेवर वाई माइनस, अब y वाली वेलोसिटी कितनी होती है वो होती है v, तो डेवर v अपॉन डेवर z, ये मेरा ओमेगा yz या ओमेगा x का मान आएगा, श्योर है आपका। उसी तरह से बताइए ओमेगा zx की बात करते हैं, यानी zx प्लेन में, तो zx प्लेन में आप कह सकते हो 8/2, अब बताओ इसके पहले z है ना, तो डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष ही होगा, लेकिन x वाली वेलोसिटी का होगा, तो x वाली वेलोसिटी क्या होती है u, तो डेवर u अपॉन डेवर z माइनस, अब जेड वाली वेलोसिटी बताइए कितनी होती है, तो जेड वाली वेलोसिटी डब्लू, तो कह सकते हो यहां पर डेवर एक्स, क्लियर है। तो जेड एक्स नीचे आना ही आना है, लेकिन ऊपर जो वेलोसिटी आएगी वो जस्ट उल्टी हो जाएगी, और कहीं पर यहां कहीं वाई नहीं ना, वाई नहीं तो वाई वाली वेलोसिटी का काम भी नहीं है, वी का काम नहीं, तो फॉर्मूला जो बन रहा है वो इनसे बन रहा है, आपको ऐसा याद रखना है। तो बताइए तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8/2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, लेटे कह सकते हो एक्स सापेक्ष छोटा, लेकिन किस वाली वेलोसिटी का होगा, वाई वाली, यानी डेवर वी अपॉन डेवर एक्स माइनस, अब यू वाली वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को और देखिएगा तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि फॉर्मूले मुझे याद कैसे करने, मैं तो ऐसे ही याद करता हूं, लेकिन एक बार मैं चेक जरूर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला मेरा सही है कि गलत है। पहले तो मुझे ओमेगा एक्स देखना है, तो ओमेगा एक्स था 8/2 डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर वी अपॉन डेवर जेड, सही है। ओमेगा जेड एक्स देखना है या ओमेगा वाई देखना है, तो ओमेगा वाई है 8/2 डेवर यू अपॉन डेवर जेड माइनस डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स, देख लेते हैं डेवर यू अपॉन डेवर जेड माइनस डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स, सही है। उसी तरह से ओमेगा जेड चेक कर लीजिए, तो ओमेगा जेड ये रहा, ये है ओमेगा जेड, तो ये ओमेगा जेड है, तो 8/2 डेवर वी अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वाई, तो देख लीजिए 8/2 डेवर वी अपॉन डेवर, सही है, क्लियर। तो मैंने बहुत प्रयास से ये चीज आपको बताई है कि ये याद कैसे करना है। हालांकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास केवल दो ही पैरामीटर होते हैं, एक्स वाई, एक्स वाई, तो एक्स वाई अगर पैरामीटर है तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स वाई पैरामीटर के लिए मेरा एक्स वाई प्लेन बनेगा, तो एक्स वाई प्लेन बनेगा तो मुझे ओमेगा एक्स वाई को ही बस देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना, क्लियर कीजिए, है ना, बात को समझे ना। तो ये मेरे जो मान निकल के आए ये रोटेशनल कंपोनेंट निकल के आए, ठीक। अब जैसे ही रोटेशनल कंपोनेंट निकल के आए तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही मैं बता दूं, यही साइड बता दूं, दो चीजें होंगी कि फ्लो मेरा रोटेशनल है, अगर होगा रोटेशनल, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं आप लिख लीजिएगा फ्लो रोटेशनल, तो जब भी कभी फ्लो रोटेशनल होगा तो मेरे ये जो मान निकले हैं ओमेगा एक्स ओमेगा वाई
ओमेगा जेड, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, ये मान जीरो के बराबर नहीं होंगे, या रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा लिख दे, ओमेगा मतलब ये सारे ओमेगा फिर उसमें, तो ये जीरो के बराबर नहीं होंगे, तब वो फ्लो हमारा रोटेशनल होगा। भाई अगर जीरो नहीं है तभी तो आप उसको रोटेशनल फ्लो कहोगे, और यदि तुम्हारा फ्लो मेरा इररोटेशनल हो जाए, पूरा लिख लीजिए ना, इररोटेशनल हो जाए, तो कन्फर्म आपका ओमेगा यानी रोटेशन कंपोनेंट जीरो होंगे, और ओमेगा जीरो होने का मतलब यह है कि तब ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड ये तीनों मान मेरे जीरो के बराबर ही होंगे। तो जब ये तीनों मान तुम्हारे जीरो के बराबर हो जाए तो समझ जाना कि वो फ्लो मेरा रोटेशनल है, और जीरो ना हो तो आप ऐसा कह सकते हो कि वो फ्लो मेरा इररोटेशनल है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी मैंने आपको बातें बताई हैं यहां पर, वो बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको रोटेशनल कंपोनेंट के बारे में बातें समझ में भी आ रही होंगी, याद भी हो रही होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो रोटेशनल कंपोनेंट जो होता है वो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का जस्ट आधा होता है। ठीक, तो यहां मैंने रोटेशनल कंपोनेंट को प्रूफ करके दिखाया क्या होना चाहिए, देख लीजिए। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि वोर्टिसिटी क्या होती। तो वोर्टिसिटी तो मैंने अभी बताया था कि जो वोर्टिसिटी होती है, अब सुनना ध्यान से, जो वोर्टिसिटी होती है वो रोटेशनल कंपोनेंट के जस्ट डबल के बराबर होती है। वोर्टिसिटी रोटेशनल कंपोनेंट के जस्ट डबल के बराबर होती है, तो जो वोर्टिसिटी होगी वो एक्चुअली में कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होगी। तो ध्यान रखना, जो वोर्टिसिटी होगी वो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होगी। तो ये मेरा वोर्टिसिटी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिख के दिखाया, ये फॉर्मूला मेरा वोर्टिसिटी का होगा। तो मैंने अभी बताया कि जो वोर्टिसिटी होगी वो भी मेरे तीन पैरामीटर में आएगी, एक तो आएगा ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको वाला जो डब्ल्यू वाला ओमेगा था उसको मैंने आपको निकाल के दिखाया, याद भी दिखाया। तो आप कह सकते हो कि जो ओमेगा एक्स हो जाएगा वो टू ओमेगा एक्स के बराबर, ये टू ओमेगा वाई के बराबर और टू ओमेगा जेड के बराबर है ना। हाँ, वो अलग बात है कि x से आप फॉर्मूला नहीं याद कर पाओगे, आपको जो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसको yz प्लेन मान के ही आपको याद करना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को बड़े ही आराम से वोल्टिसिटी भी पता चल जाएगी, वोल्टिसिटी भी पता चल जाएगी। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर फ्लो इररोटेशनल है, इररोटेशनल है तो मेरे भाई ये सब जीरो नहीं होने चाहिए, आने चाहिए, तो वोल्टिसिटी भी आएगी है ना। लेकिन रोटेशनल है तो वो ओमेगा x ओमेगा वाई ये सब जीरो होंगे, तो ये पैरामीटर भी मेरे जीरो होंगे। तो वोल्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब यहीं पर ही मैं आपको स्ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट बता दूं, स्ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट बता दूं। तो आपको जैसे कि मान लीजिए निकालना है थीटा एक्स, तो थीटा एक्स को मैं लिख सकता हूं थीटा वाई जेड, थीटा वाई जेड। अच्छा, थीटा एक्स का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन अबाउट एक्स एक्सिस, और थीटा वाई जेड का क्या मतलब हो गया कि स्ट्रेन इन प्लेन वाई जेड, वाई जेड प्लेन, स्ट्रेन इन वाई जेड प्लेन। तो एक्स एक्सिस के अबाउट कहो चाहे वाई जेड प्लेन में कहो, एक ही बात मैंने अभी भी बताया। तो होता क्या है कि इसका फॉर्मूला बनाना मैंने अभी बताया था ओमेगा के टेस में, तो ओमेगा के टेस में फॉर्मूला जो बना था वो एट बटे दो वाई जेड की बात हो रही है, तो एट बटे दो। अब जरा ध्यान देना, वाई के साथ पे डिफरेंशिएशन हो रहा लेकिन जेड वाले कंपोनेंट का, वेलोसिटी का, तो जेड वाली वेलोसिटी डब्ल्यू अपॉन वाई, और यहां पर किसका वेलोसिटी कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पर हो रहा वाई वाले क्या, तो वाई वाली वेलोसिटी होती वी और अबाउट जेड। अब देखिए, जब आपने रोटेशनल कंपोनेंट निकाला था तो हम यहां पर माइनस चिन्ह लगाया था, तो ध्यान रखना रोटेशनल कंपोनेंट में जो तुम्हारे माइनस चिन्ह थे जब आप उनको प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर देते हो तो तुम्हारा जो है रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन निकल आता है। तो रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है कि जो आपने रोटेशनल कंपोनेंट में जहां माइनस चिन्ह लगाया था बस वहां पर प्लस चिन्ह लगा दीजिए तो वो मेरा रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन पता चल जाता है। मैं हर तरह के रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन को बता सकते हैं। अगला रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन वाई एक्सिस के अबाउट, इसको आप अब लिखने तरीका बस एकदम सही रखिएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि वाई एक्सिस के अबाउट है तो जेड एक्स प्लेन में होगा, तो जेड पहले ही लिखना है, जेड एक्स प्लेन, ये ध्यान रखना, एक्स जेड ना लिख देना क्योंकि एक्स के बाद वाई आता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो एक बटे दो है ना। पहले जेड आया तो जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा, और एक्स वाली वेलोसिटी का, तो एक्स वाली वेलोसिटी होती यू, तो डेवर यू अपॉन कह सकते हो डेवर जेड, प्लस
अब इसके बाद ऊपर जो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन हो रहा वो डब्ल्यू टा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फॉर्मूला मेरा कह सकते हो कि थीटा जेड एक्स आ जाएगा। अच्छा कई लोग इसको थीटा से नहीं एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। इसके बाद अगला केस आता है थीटा जेड, तो थीटा जेड कहो या थीटा एक्स वाई प्लेन कहो एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक बटे दो, ये फॉर्मूला तो बहुत रटा हुए होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर फंक्शन एक्स वाई में रहते हैं, तो इसलिए एक्स वाई का फॉर्मूला एकदम रटा हुआ होना चाहिए थी एट बटे दो। और पहले आप देखिए ध्यान से, पहले एक्स लिखा हुआ एक्स साथ में डिफरेंशिएट जरूर लेट वाई वाली वेलोसिटी का, तो डेवर वी अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर यू अपॉन डेवर वाई। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले मेरे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के हैं, लेकिन जब इन फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ था, जब इन फॉर्मूलों में माइनस लगा हुआ था देखिए माइनस, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मेरे रोटेशनल कंपोनेंट के थे। तो माइनस एट बटे दो के साथ रोटेशनल कंपोनेंट आएगा, प्लस एट बटे दो के साथ रेट ऑफ सियर स्ट्रेन आएगा, और माइनस रहे लेकिन एट बटे दो ना लगा हो, मतलब दो का मल्टीप्लाई हो जाए ओमेगा में, तो वो फिर कह सकते हो वोर्टिसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इन सबको हालांकि वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, आप चाहो तो ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप आपको ये जो शुरुआत में मैंने आपको हेडिंग दी थी ये हेडिंग आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो ये हेडिंग में ये जो तीनों छः नौ मान है ये नौ मान आपको निकालना आ गए होंगे, है ना। लेकिन निकालने के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको बताया कि किस तरह से क्या निकालना है, तो वीडियो को जरूर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, हालांकि इसके अभी यूज पड़ेंगे, तो यूज पड़ेंगे तो हम लोग फिर से इसमें आएंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, फिर से इसमें आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। अरे देखिए इक्विपोटेंशियल लाइन, तो इक्विपोटेंशियल लाइन की परिभाषा देखिए क्या होती है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन ए लाइन अलोंग व्हिच वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई इज कॉन्स्टेंट, मतलब एक ऐसी लाइन जिस पर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई हमारा कांस्टेंट हो जाए। तो एक बार बताओ अगर तुम फाई को कांस्टेंट कहना चाह रहे हो तो बस उसी लाइन को मैं टेस्टता हूं कि वो मेरी इट्टू पोटेंशियल लाइन होगी। तो ध्यान रखना इट्टू पोटेंशियल लाइन ऐसी लाइन होती है जिस पर फाई तुम्हारा कांस्टेंट हो जाए, फाई आपका कांस्टेंट हो जाए। तो सॉल्व भी तो कराना पड़ेगा ना, हमें सॉल्व कराना पड़ेगा ना इसको पैरामीटर को, चलिए फिर सॉल्व कराते। तो लेट कर लेते हैं कि जो फाई है वो तुम्हारा एक्स और वाई दो पैरामीटर का फंक्शन है, थोड़ी देर लिए एक्स और वाई दो पैरामीटर का फंक्शन है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर उस दिन पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका फाई होता है वो 2D और 3D दोनों के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन जो साइन होता है स्ट्रीम फंक्शन वो 2D फ्लो के लिए डिफाइंड होता है ना। तो मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं आपके वो 2D फ्लो से ही रहते हैं, इसलिए मैंने एक्स और वाई बस दो फंक्शन लिए हुए हैं ना। आगे देखिए तो क्या गलत नहीं होगा अगर मैं इसको d5 बराबर डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स इंटू dx कर दूं प्लस डेवर फाई अपॉन डेवर वाई इंटू dy कर दूं। मैंने कुछ किया नहीं है, फाई का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का फुल पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का फुल, ये बनाना आपको आना चाहिए। बट फाई तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, तो फाई कॉन्स्टेंट है तो कन्फर्म है कि फाई का जो डिफरेंशिएशन हो रहा वो जीरो हो रहा, क्लियर कीजिए। तो फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो के बराबर कर दो, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और जैसे तुम ये जीरो करोगे, अच्छा ये जीरो, तो अब ये तो जीरो हो गया, लेकिन यहां पर मैं वेलोसिटी का मान रखने जा रहा हूं। तो डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स, याद करिए डेफिनेशन, डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी देता है परंतु विद माइनस चिन्ह, तो माइनस यू डी एक्स, डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई माइनस वी डी वाई, ठीक। तो मैं यहां से dy अपॉन dx निकाल लूंगा कि dy अपॉन dx कितना होगा, तो dy अपॉन dx ढूंढ लू कितना आएगा यहां से, तो dy अपॉन dx चाहिए तो आप इस पैरामीटर को उधर भेज दीजिए, तो जैसे ही उधर भेज जाएगा एक मैं लाइन और ऐड कर देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा v dy इक्वल टू माइनस यू डी एक्स माइनस यू डी एक्स, है ना। तो मुझे dy अपॉन dx चाहिए ना, dy बाई dx चाहिए ना, तो dy बाई dx जो हो जाएगा उसका मान आ गया माइनस डीवाई बाई डी एक्स, वो माइनस यू बाई वी। तो ये फॉर्मूला मेरा कह सकते हो इट्टू पोटेंशियल लाइन की इक्वेशन देने में मदद करेगा मुझे, कैसे मदद करेगा, मुझे यू और वी बस पता चल जाए तो मैं इट्टू पोटेंशियल लाइन की एक फैमिली बता सकता हूं, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करने के बाद एक और कंडीशन दे दी जाए
मैं उसकी कह सकते हो कि सर्टेन बता सकता हूं कि वो कौन सा कर्व होगा, या उस कर्व की सर्टेन इक्वेशन बता सकता हूं। तो अगर वो एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी जाती तो मैं केवल उस कर्व की फैमिली बताऊंगा कि वो हाइपरबोला की फैमिली से है कि पैराबोला की फैमिली से है कि सर्कल की फैमिली से है। लेकिन अगर एक और सर्टेन कंडीशन दे दी जाए, जब इंटीग्रेशन करने के बाद जो कॉन्स्टेंट सी आता है उसको निकालने के लिए, तो मैं सर्टेन बता दूंगा कि वो सर कौन सा कर्व होगा। ठीक, तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए भाई। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन की इक्वेशन याद करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है सर, कि इक्वी पोटेंशियल लाइन जब आपको याद करनी है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सर आपका डीवाई अपॉन डीएक्स है वो माइनस चिन्ह आया, पहली बात तो माइनस, और माइनस आया है तो माइनस का मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि डीवाई के सामने है यू और डीएक्स के सामने है वी, उल्टा है ना, तो मुझे तो याद हो जाता है।